सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मियां नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज ने अपने बेटे जुनेद सफदर को शादी पर इंतहाई महंगी गाड़ी का तोहफा दिया है। कई सोशल मीडिया पेजेस ने दावा किया था कि मरियम नवाज ने जुनेद सफदर को मर्सिडीज G64 AMG गाड़ी का तोहफा दिया है जिसकी कीमत 140 मिलियन है जो तकरीबन 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पर यह भी कहा गया कि मरियम नवाज की जानिब से जुनेद सफदर को दी जाने वाली अब तक की पंजाब में रजिस्टर होने वाली सबसे महंगी गाड़ी है। इसके अलावा गाड़ी का 5.3 मिलियन रुपए यानी पाकिस्तानी 53 लाख रुपए का टैक्स अदा किया गया जो किसी गाड़ी का अब तक का सबसे ज्यादा अदा किया गया टैक्स है। तहम मरियम नवाज ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने यह खबर शेयर करने वाले सोशल मीडिया पेजेस के स्क्रीन शॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ये खुला झूठ पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये मायूस कुन है कि किस तरह मारूफ अकाउंट्स बगैर तस्दीक के जाली खबरों को फैलाते हैं। वाज़ेह रहे कि जुनेद सफदर 14 दिसंबर को एहसाब ब्यूरो के साबिक चेयरमैन सैफुल रहमान खान की साहिबजादी आयशा सैफ खान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए थे। जुनेद सफदर और आयशा सैफ खान का निकाह अगस्त 2021 में लंदन में हुआ था। जुनेद सफदर की शादी की तकरीबात का आगाज 12 दिसंबर से इस्लामाबाद में शुरू हुआ था और उनकी मेहंदी और मायों की तकरीबात समेत दीगर तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं।